सीधे लखनऊ कैंट लिए चलते हैं, जहां इस वक्त अपर्णा यादव लोगों के बीच है। आपसे कहीं अभी अपर्णा यादव जैसा हो, अभी यार सुन भी लो, अभी सुन भी लो, पूरी बात तो सुन लो, जयकारे लगाने के बहुत मौके मिलेंगे। अभी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जिसने सबसे पहले जब सरकार आई तो गरीबों के खाने पर ही उसने इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ा दी कि लोग ये कहने लगे कि प्याज तो हमें बहू को अपने या बेटी को दहेज में देना पड़ेगा। उस समय प्याज के दाम इतने ज्यादा महंगा कर दिया कि एक आम आदमी प्याज लेना तो दूर, खरीदने में भी डरता। उसके बाद से उन्होंने कभी भी प्याज के रेट आज तक कम नहीं करे। फिर दूसरा काम किया इन्होंने नोटबंदी। नोटबंदी जितने भी हमारे जितना व्यवसाय करने वाले यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो बताएंगे कि आप पर कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया। तो इस बार संकल्प लो कि नोटबंदी जिन्होंने करी उनकी वोट बंदी कर देना। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक प्रोजेक्ट चला केंद्र सरकार का, नमामि गंगे। किसने किसने सुना है ये प्रोजेक्ट के बारे में? हाथ उठाइए किसने जिसने नमामि गंगे के बारे में सुना है। हमारी हिंदू संस्कृति एवं परंपरा में गंगा को सबसे पवित्र नदी एवं पवित्र देवी का दर्जा दिया है, और आज भी जीने से लेके मरने तक जो भी आदमी इस भारत देश में पैदा होता है वो गंगा के ही कस्में खाता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ये हमारी सरकार नहीं कह रही है, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट कह रही है कि 7.5 लाख गंदे नाले गंगा में प्रवाहित कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने लोग हैं उसके आसपास कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, पॉल्यूशन की भारी मात्रा से वो लोग मर रहे हैं, और कितनों को ऐसे असाध्य रोग हो गए हैं जिनका कोई इलाज अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं अगर हमारी सरकार के बारे में आप देखें तो हरदे युवा सम्राट श्री अखिलेश यादव जो कि मेरे जेठ भी हैं, उन्होंने क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के तहत 5 करोड़ पेड़ लगाने का काम किया है, जो कि गिनीज में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। हमारी सरकार जहाँ पर एनवायरनमेंट को, जहाँ पर प्रकृति को बढ़ावा दे रही है, वहीं पर केंद्र की सरकार दरिया दूषित कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज तक जितना महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हमारी सरकार ने किया हो वो शायद ही कोई सरकार होगी जिसने इतना बड़ा काम किया। एक बात और कहना चाहूंगी कि हालांकि इस पे मुझे बड़ा परहेज लगता है कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, मगर हमारे परिवार के बारे में बड़ी बड़ी टिप्पणियां करी गई कि परिवारवाद, फलाना ढिमाका, ये वो, मगर आज हम पूछना चाहते हैं अपने विरोधियों से कि तुम अपने परिवार को कहाँ लेके आए हो, कहाँ लेके आए हो और कौन सी राजनीति करवा रहे हो। जितने लोग दल बदल के गए वो सब इन विरोधियों ने अपने पास रख लिए, वो कोई भी हो वो इन्हीं के पास हैं, और अब इनके पास क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा तो इनके पास बहुत पहले ही गायब हो चुका था, तो आज ये फिर परिवार के बारे में अपशब्द कहकर, टिप्पणियां देकर, भद्दी बातें कर लोगों के बीच में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को सुना आपने, दरअसल इस मंच पर ही मौजूद हैं बड़ी बहू डिंपल यादव भी। यादव परिवार की दोनों बहुएं लखनऊ कैंट पर साथ साथ छोटी बहू अपर्णा यादव के प्रचार के लिए पहुंची हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, और इस मौके पर अपर्णा यादव सीधे निशाना साध रही है केंद्र की मोदी सरकार पर।